और गाइज रिव्यू बताऊं तो यार मेरे को पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। तो हे गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज कैसे हो यार आप सभी, होप करता हूँ यार सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइज आ चुका हूँ मैं आपके लिए एक नया ब्लॉग लेके आज। तो गाइज आज मैं आया हूँ यहाँ पर एडवेंचर आइलैंड में अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये रहे मेरे मित्र सौरभ को आपने पहले देख ही लिया होगा मेरे पिछले ब्लॉग। सदे चेहरियां का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि इन्होंने तकलीफों से डील करना होता। भाई तू बस कर। और ये साहिल ब्रो अपना। तो गाइज काफी समय के बाद आया हूँ, कम से कम 7-8 साल बाद आया हूँ मैं एडवेंचर आइलैंड। तो गाइज देखते हैं कैसा जाता है आज एडवेंचर आइलैंड का दिन। और चलो यार चलते हैं फटाफट और एंजॉय करेंगे पूरा व्लॉग, एंड तक देखना। तो यार चलो चलते हैं, एंट्री लेते हैं और टिकट्स वगैरह लेते हैं। चलो चलते हैं। सो गाइस फाइनली टिकट्स ले ली है और ये टिकट्स हमें 400 की पड़ी और वहाँ पर लिखा था कि कौन सी राइड्स वर्किंग है। तो 16 राइड्स वर्किंग है और 400 की टिकट पड़ी, आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ से एंट्री लेते हैं और होप्स हो कि स्टार्ट हो गया होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि लोग आने स्टार्ट हो गए हैं। सो गाइस एंट्री हो चुकी है टिकट के साथ और ये बैंड दिखा देता हूँ आपको, बैंड भी लगा लिया है। तो चलो चलते हैं, अब यहाँ से अपन एंट्री करेंगे। ये देखो स्टार्टिंग में इन्होंने हमें पेरिस में ला दिया है। तो गाइस समझ सकते हो कितना सस्ता है, हम पेरिस में आ चुके हैं। पेरिस में देखो कितना सस्ता पेरिस है। तो चलो चलते हैं, अभी भीड़ बहुत कम है क्योंकि हम वीकडेज में ही आए हैं। आज ट्यूसडे है गाइस को ऑफर चलता है और यहाँ पर ऑफर भी चल रहा है कि 400 रुपीज में राइड्स है। 350 की टिकट हमने सुनी थी, आगे 350 की टिकट है। तो बट उसमें राइड थोड़ी सी कम हो जाती है, बट लेकिन जो ऑफर है ना ये वाला ट्यूसडे वाला, इसमें थोड़ी सी राइड बढ़ जाती है। अच्छा 400 ठीक है भाई। जरूरी नहीं है ट्यूसडे को, क्योंकि लिमिटेड ऑफर लिखा था वहाँ पर। भीड़ बहुत कम है, अच्छा है ना, भीड़ कम है। इस्तेमाल कर लेना #2blogger20। भाई कुछ नहीं मिलेगा, आ जाना कुछ नहीं मिलेगा मेरे कूपन कोड से। तो गाइस अभी साइडविंडर्स में आ गए हैं, इस वाली राइड में आप देख सकते हो, और अंदर एंट्री देनी स्टार्ट कर दी है। तो फटाफट क्या नाम है साइडविंडर्स। बहुत पछताया हूँ मैं, बहुत ज़्यादा पछताया हूँ इसमें जाके गाइस। बहुत ज़्यादा हालत टाइट हो गई थी इसमें जाके। अब मैं नहीं जाऊँगा भाई वापसी। मेरे दोस्त गए हैं वापसी, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा भाई। बहुत डर लगा भाई, बहुत ज़्यादा। एक टाइम पे तो ठीक है सीधा सीधा जा रहा था, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा भाई। बहुत खतरनाक राइड है ये। मैं गलती से बैठ गया, सही बता रहा हूँ, इसमें गलती से बैठ गया। अभी मेरे फ्रेंड्स वहाँ से दोबारा जा रहे हैं लाइन में लगकर, और भाई बहुत गंदी राइड है। चलो कर ली, बहुत है वही बहुत है, कर ली इस राइड को। तो गाइज ये आ चुके हैं हम, बता रही ये दोबारा कैसे चले गए। मेरी तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही थी, इनसे पूछते हैं अब। हाँ भाई कैसा रहा? अरे बहुत मजा आया। तू भी चले एक बार, आजा फिर से चलते हैं। भाई मैं इस वाली राइड में अब नहीं जाऊंगा। ये क्यों साइड क्या नाम था इसका, जो भी नाम भी भूल गया मैं। लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला हो चाहे जो भी हो, मैं नहीं जाने वाला इसमें भाई। मेरी बहुत गंदी हालत हो गई थी और बस मैंने इनकी वीडियो बनाई बाहर आके, और ये पता नहीं कैसे चले गए। बहुत डेयरिंग लोग हैं ये भाई, ये मजे लेने आए हैं भाई। मैं तो सुरक्षित घर वापसी जाना चाहता हूँ, तो बस इतना ही काफी है। भाई ये वाली भी खतरनाक है भाई, करीबी है, लेकिन ये कर लूंगा मैं, जहाँ तक मुझे कर लूंगा। मेरे को इसका पंगा था, इसके अंदर देखते हैं। ये एक बार ऊपर जाते हैं फिर नीचे, एकदम ऊपर नीचे ऐसे करके होता है। चलो देखते हैं कैसे। अभी तो कोई दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो कोई दिख ही नहीं रहा भाई। मुझे लगता है हमें कार वाली करनी पड़ेगी। हाँ, तो यही स्टार्ट है। तो गाइस 5 मिनट वेट करने के बाद हमारी बारी आ चुकी है और चलो चलते हैं फटाफट। चल भाई कौन सी लेगा जल्दी पकड़। मैंने तो ये वाली पकड़ ली, तो फिर मैं ये ले लूं। तू वाली पकड़ ले जा। तो गाइस हो चुका है अपना तैयार और भाई साहब जा 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 जा। ओए भाई तगड़ा। तो गाइस जिंदगी में पहली बार गाड़ी चलाते हुए विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस, और ये सौरभ मुझे बार बार ठोके जा रहे हैं। साहिल वहीं अटक गया, उसके बाद चलते हैं। हाँ भाई साहिल अटक गई क्या ठोकू, चल निकल। बच गया। चलो 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 चलो। ओ भाई तेरे को मेरे पास ही आना है क्या? हाँ भाई। है जहाँ तक क्या है, देखिए मोड़ने भी नहीं दे रहा। ओ हाँ ये कर लो पहले। तो गाइस इससे बदला लिया जाएगा, इन्होंने मुझे फंसा दिया। चले गाइस कार वार तो चला ली है, बहुत मजा आया। इनसे पूछा यार इन्होंने मुझको कितना ठोका। भाई साहब बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने का मजा ही। अब बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाई, बहुत मजा आया। तो गाइस अभी हम लाइटनिंग बोट में आ गए हैं। इधर ये वाली राइड आपको दिखाता हूँ मैं। अभी हम लाइन से जा रहे हैं, ये वाली राइड है तो थोड़ी स्लो और सेफ सही रहेगी। इसको देखो, इनको तो डेयरिंग चाहिए भाई, मेरे को नहीं चाहिए भाई। अपन जैसे हैं वैसे ही ठीक है। अब इसमें जाएंगे, चला आएगा इसमें भी। चलो लेट्स ट्राई। बैठ चुके हैं राइड में और ये लॉक हो चुका है। बस रेडी कर रहे हैं भैया चलाने के लिए। मेरे फ्रेंड जो है वो पीछे बैठे हुए हैं। ये रे हाय। इनको मजा नहीं आ रहा है इस वाली राइड। लो भाई भाई फोन उल्टा हो रहा हो तेरा। ये रहा भाई हमारा। हेलो गाइस, हाय गाइस। तो गाइस ये राइड भी कर ली है और थोड़ा निराशा के साथ कहना पड़ रहा है मजा नहीं आया भाई। इतना मजा नहीं आया क्योंकि धीरे चल रहा था, ज्यादा कुछ मजा नहीं आया। मोदी जी की तरह मजा नहीं आ रहा है। और अब इनसे पूछते हैं तुम्हारा कैसा था भाई? मजा आया। अबे राहुल गांधी, मजा आया। तेरा बोल रहा है। चलो तो भाई अभी हम इस राइड में बैठ चुके हैं, नाव में। देखते हैं कैसा लगता है। रामलीला ग्राउंड में लगती है। चला दो अभी, चलने तो दे भाई। तो उसको स्टार्ट नहीं होने दे रहा है। चला दो। होगी गाइस। और ये रोटेट मार लिया है पूरा यूटर। ओ गाइस इतना मजा नहीं आया। तो ऐसे ही है यार, नॉर्मल है। नॉर्मल इसी में चलेंगे, चक्रे में मजा आता है भाई। तुम ही जाना उस चक्रे में। तो मजा नहीं आ रहा है, मेरे को मजा नहीं आ रहा। कोई नहीं गाइस, धीरे धीरे और राइड लेंगे यार। वाटर पार्क इंक्लूडेड है लेकिन यार उसमें शॉर्ट्स और शर्ट वगैरह खरीदनी पड़ेगी यार, इसलिए हम जाने रहे। और अभी धूप भी बहुत हो रही है, टैन हो जाएगा। अभी धूप हो रही है बहुत ज्यादा। कोई नहीं यार, वाटर पार्क जरूरी छोड़ना। और वैसे भी छोटा सा वाटर पार्क है यार। वाटर पार्क जाएंगे फिर कभी, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे उसके लिए। चलो भाई यही हमारी समाप्ति होती हुई राइड की। बहुत शॉर्ट थी और बहुत बोरिंग थी, सही बताऊँ तो। मजाक से अच्छे जा सजल। गाइस जस्ट मेरे को 1 सेकंड लगने वाला है ऊपर पहुंचने, और ये पहुंच भी जाएगा गाइस बहुत जल्दी। तो देख गिरेगा तो नहीं करेगा। ताम जाम करना पड़ा, बहुत ज्यादा ताम जाम हो गया। लेकिन काउंट करना कितने का, ऊपर से पूछ सकते हैं। चल सजल कम ऑन। ऊपर चढ़। सब्सक्राइब कर दो तो। नाइस यार, मेरा बनाइयो। पहले बताते अंकल, मैं तो चाहिए तो पूछ जाता। नाइस कर लिया है। और आपने देखा होगा मैं थोड़ा जल्दी चढ़ गया और काफी मजा आया। और मजा तो आया भाई, मजा तो आया, जल्दी चढ़ गया ना मैं, जल्दी चढ़ गया ना। बहुत बढ़िया यार, अच्छे से जाइए आराम से और डाइव मार दी एकदम। भाई अभी अभी सौरभ आया ऊपर से, बता भाई ये तो कर ही नहीं पाया, यहीं तक यहाँ पर आके इधर ही अटक गया। यहाँ पे क्या मुश्किल है, जितना आसान दिखता नहीं, जितना आसान दिखता उतना है नहीं, बहुत अच्छा मुश्किल है। अब ये जा रहा है साहिल ब्रो, कर हर मैदान फतेह। ये धरती मेरी माँ है। गया गया गाइस आ चुका है ये, तेरे को कर हर मैदान फतेह करने के लिए बोला था, यहीं से आ गया नीचे उतर के। सॉरी गाइस मैं नहीं चाहता था, इससे ऊपर गया गाइस मैं। हाँ इससे ऊपर गया, चलो कोई नहीं। मैं दिखाना नहीं चाहता था कि सजल हार गया। ओहो ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। गाइस हमारी राइड स्टार्ट हो गई है भाई। ओ भाई तो तेज कर ₹400 के चक्कर में 14,000 के नुकसान। बढ़िया भाई बढ़िया, सही है ये फिर डरने वाले से बेटर है। हाँ भाई सही है, मजा आया मजा। यहाँ पर गाना वगैरह चल रहा है बहुत बढ़िया, और ये अपना सौरभ ब्रो डांस करता हुआ। चल भाई चल, फूल बुलैया में ही चले जाते हैं, अब और क्या है। देखते हैं खोते हैं क्या होता है। तो गाइस देखो कितनी जल्दी बाहर निकल गए, इसे बुलबुलैया कहते हैं। देखो जीत गए हम, लाओ प्राइज दो। अबे यहीं से तो गए थे, ये देखो यस। गाइस पोजीशंस ले लिया अपने हमने। हाँ हाँ हो गया है बंद, और यही राइड मिली है इतनी देर बाद। गाइस सीट बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है क्योंकि धूप में है ना, और काफ़ी तेज़ धूप हो रही है। गाइस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, अब हम जाएंगे रनवे। गाइस मैं सही बताऊँ बहुत बेकार एक्सपीरियंस, आधी राइड्स तो चल ही नहीं रही है और मज़ा नहीं आया यार बिल्कुल भी। सही बताऊं तो मेरा कुछ मन नहीं कर रहा था यार अब ब्लॉग बनाने का, आगे कंटिन्यू करने का, क्योंकि कुछ है ही नहीं यहाँ पे कुछ और दिखाने के लिए। राइड्स धीरे धीरे है, वो एकदम स्लो स्लो चलने वाली राइड्स हैं, प्लस धूप हो रही है, और प्लस बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, हेडेक भी हो रहा है। तो अभी कुछ खाएंगे, रनवे में जाते हैं, रनवे दिखाऊँगा आपको, ठीक है? फिर उसके बाद चलते हैं यार। तो यार गाइस हम रनवे के अंदर हैं, और काफ़ी अच्छा इंटीरियर है, मतलब पूरा वही थीम है एयरप्लेन का। बाकी अभी देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं। भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस बताओ, मेरे को तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया भाई, बस एसी के बहाने आए हम यहाँ पे। रीसेट बटन है क्या आज का? रनवे में से तो हम जा रहे हैं, एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखो कॉकपिट सेल्फी चार्जेस 200। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। गाइस अब बाहर आ चुके हैं हम रनवे से, और ठीक था यार, और अब घर जाने के लिए बस निकल रहे हैं। मीठा खा के देखते कुछ आइसक्रीम वगैरह लेंगे, खाएंगे और फिर घर निकलेंगे। तो गाइस अब मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। और गाइस रिव्यू बताऊँ तो यार मेरे को पसंद नहीं आया बिल्कुल भी, और आपको भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि यहाँ पर आना, क्योंकि आधी राइड्स तो चली नहीं रही थी। और बाकी और ये 16 राइड्स ओपन वर्किंग कह रहे थे, लेकिन 16 राइड्स कहाँ वर्किंग है, हमने चार ही कुछ झूली। आपने देख लिया होगा, तीन बोरिंग थी, बाकी एक थी थोड़ी डेंजरस थी स्टार्टिंग वाली, इसके लिए तो वो भी बोरिंग थी। हाँ मेरे लिए तो वो भी बोरिंग ही हो गई। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस।